तो ये छोटी सी प्रॉब्लम होती है पर सर दर्द तगड़ा कर देती है ना। उस दिन मैं फंस गया था बहुत बुरा वाला। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं आज अपनी टाटा सफारी से रिलेटेड ही बना रहा हूँ कि किस तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना हमारे लिए बड़ी टेंशन बन जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ इशू हुआ था मेरी गाड़ी में अभी दो तीन दिन पहले। मैं आ रहा था बड़गांव साइड से, तो अपहिल जाते हुए कुछ प्रॉब्लम आई गाड़ी में। तो क्या प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में बात करेंगे, प्लस कैसे उसको सॉर्ट आउट किया और क्या उसका मतलब लास्ट में सॉल्यूशन निकला, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता है, देखो ये चीज़ें शेयर करने से ये बहुत लोगों को हेल्प कर देती हैं जो कई बार रास्ते में जा रहे होते हैं और कहीं पे फंस जाते हैं। तो उन्हें ये चीज़ें पता होती हैं पहले से कि भाई ये वाला इशू हो सकता है अगर ऐसी दिक्कत आ रही है गाड़ी में। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती और वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है वहाँ पे भी निकाल ले। मैं भी निकाल लेता अगर मुझे पता चल जाता कि भाई ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम कर रही है मेरी गाड़ी में। तो बट उस टाइम पे मैं थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ गया था, माहौल हो गया था ऐसा कि भाई पता नहीं क्या हो गया गाड़ी में सडनली चलते चलते। तो चलो पहले बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई थी इस गाड़ी में एग्जैक्टली। तो जी ये जैसे मैं अपहिल लेकर आ रहा था इस गाड़ी को, तो ये डैश कैम की क्लिप है जो मैंने बाद में डाउनलोड करी और लगा दी है। तो गाड़ी चलते चलते चढ़ाई पर रुक गई थी, उसके बाद फिर मैंने कोई नहीं वहाँ पे मतलब कुछ और ऑप्शन नहीं था और गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद में दो तीन सेल्फ मारे तो स्टार्ट हो गई, बट पावर बिल्कुल नहीं ले रही थी गाड़ी और मतलब ये प्रॉब्लम हो जा रही थी इसमें। ऊपर तो चढ़ ही नहीं रही थी, पहला गियर लगा के भी मतलब एक्सीलरेटर बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। तो मैंने पीछे कर ली गाड़ी, पीछे खड़ी करके सारा इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेक किया गाड़ी का, जो भी उसमें मतलब मुझे लगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए, कूलेंट वगैरह हर चीज़। इवन तो गाड़ी गर्म भी नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, बट वही था कि जैसे एक्सीलेटर दे रहा था बिल्कुल भी ले ही नहीं रही थी और RPM मतलब ऊपर ही नहीं जा रहे थे ज़्यादा, एक के पे थे और एक पे ही रह रहे थे। तो उसके बाद में मैंने चेक करके धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलता हूँ। पहले तो टेंशन हो गई कि पता नहीं हुआ क्या है गाड़ी में, तो काफ़ी देर सोचने के बाद में डिसाइड किया कि भाई चलते हैं यहाँ से गाड़ी लेके आगे के लिए, धीरे धीरे लेके चलता हूँ फर्स्ट गियर में, क्योंकि चढ़ रही थी हल्की हल्की। तो फर्स्ट गियर में मैंने चलानी शुरू कर दी गाड़ी, धीरे धीरे लेके आया, थोड़ा आगे आया, फिर से मैंने एक जगह गाड़ी रोकी वहाँ पर। फिर मैंने क्या है गाड़ी वहाँ पर थोड़ा जगह अच्छी थी और प्लेन थी, तो गाड़ी क्या है मैंने आगे पीछे करनी शुरू करी। तो पीछे की तो अच्छी चलने लगी, आगे करता था तो प्रॉब्लम जो था सेम वही आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रेक लग गए हो गाड़ी के और बिल्कुल भी मतलब हल्की सी आवाज़ आ रही थी, कड़ 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 ऐसी कुछ। तो मैंने दो तीन बार आगे पीछे करी, तो उसके बाद में पता ही सडनली आगे की तरफ भी ठीक चलने लगी। तो मैंने सोचा कि अब तो रिस्क लेता हूँ, अब तो चलता हूँ घर लेके इसको, अगर चल रही है स्टार्ट हो रही है और अभी थोड़ा सा बेटर लग रही है तो लेके चलता हूँ। और वहाँ से लेके मैं इसको आ गया था घर। तो उसके बाद घर तक गाड़ी मतलब बिल्कुल ओके आई, कोई भी मुझे मतलब इशू नहीं हुआ इस गाड़ी में। और इवन तो बड़ा अच्छा एक्सीलेटर ले रही थी, तो सडनली मुझे मतलब क्या हुआ गाड़ी के अंदर पता नहीं, मैं खुद शॉक था कि क्या हो गया था और अभी क्या सडनली इसमें ऐसा हो गया कि चलने लगी। तो खैर मैं अगले दिन गया लेके इसको, तो अगले दिन भी ठीक ठाक चली। फिर मैं सोचा कि सर्विस सेंटर लेके चलता हूँ इसको और सर्विस भी करा लूँगा, प्लस सारी जो भी प्रॉब्लम है चेक करा लूँगा। तो सर्विस सेंटर मेरे यहाँ से फिर मड़गांव पड़ता है, वही 35-40 किलोमीटर। अब नेक्स्ट डे जैसे ही मैं इसे मॉर्निंग में लेके आता हूँ जो एक्सरसाइज करने सुबह सुबह जा रहा था, तो फिर से ये दिक्कत इसमें स्टार्ट हो गई। और जैसे ही मैं मतलब घर से 4-5 किलोमीटर ही चला था तो गाड़ी वहाँ पर आके रुक गई और वही सेम प्रॉब्लम, एक्सीलेटर नहीं ले रही थी। तो मैं फिर नियरेस्ट एक मैकेनिक पर गया, उन्होंने से पूछा कि भाई आप चेक कर सकते हो क्या, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार इसको ना स्कैन करा लो। और उसके बाद मैं लेकर आया फिर इसको स्कैन करने वाले, एक मेरे मतलब जानने वाले थे वहाँ पे, मैंने पहले बैटरी वैटरी उनसे डलवाई थी, इलेक्ट्रीशियन है तो उनके पास सारा कुछ स्कैन करने का सिस्टम है इसका, तो वहाँ पे स्कैन कराई है। और उसके बाद में फिर क्या प्रॉब्लम रेक्टिफाई करी वो अब पता चलेगा इसमें भाई। यहाँ पे ये आ रही है इसमें इंजन लाइट इधर की तरफ, तो ये इन्होंने यहाँ पे इसका देख लिया है कहाँ से इसको सेट करना है। नहीं ये है डिवाइस, नहीं 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 कोई नहीं, ये डिवाइस है जिससे हम चेक करेंगे, लेनोवो सफारी, नाम ही नहीं आ रहा इसमें, वो इसमें है यूटिलिटी में। हाँ हाँ
सफारी स्टॉर्म स्टॉर्म डोमेस्टिक वेट एंड ड्राइव डीजल ओके। अभी इसका 4x2 एलएक्स 4x2 फ्यूल इंजेक्टर ग्रुप है, सप्लाई वोल्टेज सर्क्यूट लो कनेक्ट हुआ है उससे। कनेक्ट हुआ है, यही फॉल्ट कोड है। कहाँ पे? फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर ग्रुप है, सप्लाई वोल्टेज सर्क्यूट। ये कौन सा सेंसर आ रहा है जो ये खराब है? टेम्प्रेरी टेम्प्रेरी तो अच्छा अच्छा। फ्यूल इंजेक्टर ग्रुप है, सप्लाई वोल्टेज सर्किट लो। तो ये है P2147 ये वाला कंफर्म्ड हो गया है। लूज है? अरे गर्म होगा अभी। लूज तो अभी चेक करें दोबारा। तो ये कुछ लूज थे इन्होंने जो इंजेक्टर चेक किए। अच्छा ये वाला तो बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा लूज था ये। फिर से अगर लूज होएगा कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। हाँ नहीं वो मैं चेक कर लूँगा। हाँ तो ये अभी तो पूरा ओके दिखाने लगी है जैसे ही वो टाइट किए। पहले ये हिल भी रहा था। इंजन लाइट भी गया? हाँ और ये काफी हिल रहा था ना। हाँ अभी अगर फिर से प्रॉब्लम आया तो आप आ जाओ, मैं कनेक्टर बना के रखता हूँ। ठीक है मिलता है कनेक्टर। मिलता है ना? ठीक है ठीक है। तो जी ये जो इंजेक्टर कनेक्टर है इसका जो इशू आ रहा था जो, तो ये मैं नए लेकर आया हूँ मड़गांव से। और ये मैं 3 लेकर आया था एक्चुअली। मेरा प्लान था कि चारों मैं चेंज करा दूँ। 4 हैं जैसे इसमें, चारों सिलेंडर पे एक एक। तो 3 मिले थे, 2 यहाँ पर रख दिए। वो कह रहे पहले वही जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसी को हम चेंज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो ये वाला हम चेंज कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर से एक बार चेक करेंगे कि प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। दोबारा एक बार स्कैनर मार के देख लेंगे। और ये वाला कहाँ पे जॉइंट होता है आगे? तो ये छोटी सी प्रॉब्लम होती है पर सर दर्द तगड़ा कर देती है ना। उस दिन मैं फंस गया था बहुत बुरा वाला। तो ये वाला सबसे ज़्यादा इशू कर रहा था। इसी में क्या यहाँ से लूज हो गया था इसमें से यहाँ पे। तो ये जो काम मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, ये है एमरोन इनका, मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क है यहाँ पे। और ये हाईवे पर पड़ता है जो NH66 है। सामने ये होंडा का शोरूम है, उसके सामने एकदम कानकोण से पहले गोवा, साउथ गोवा के अंदर। पहले मैंने यहाँ पे बैटरी वगैरह चेंज कराई थी, बैटरी टियागो की। उसके बाद से फिर मैं यहीं पे आता हूँ ज़्यादातर काम के लिए। हुआ फिट? ये हो चुका है जी अपना इंजेक्टर ऊपर से फिट पूरा। ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, बाकी ये 4 होते हैं इसमें। तो अभी बाकी के बिल्कुल ओके बता रहे हैं ये, पर ठीक है उनको बाद में देखेंगे जब कभी प्रॉब्लम करेंगे। अब एक मतलब उसमें रहेगा अपना, स्पेयर में रखे हैं 2। और ये जो कॉस्ट करा ये करा 120 का एक, तो 350 के मुझे 3 मिल गए थे। ये मतलब बहुत महंगी चीज़ नहीं है, पर हाँ इसकी वजह से देखो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो ये फिट हो गया है अभी। अभी इसकी वायरिंग पूरी कवर करवानी है सो दैट कोई दिक्कत ना लगे बाद में। जैसे पीछे कवर है पूरी, इसको भी कवर करवा देता हूँ। देन उसके बाद इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देन उसके बाद पता चलेगा भाई एक्चुअल में अभी कैसी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं कर रही अब। तो ये सारे वायर वगैरह पूरे कवर कर दिए, बाकी इधर भी जो जो लग रहा था वो सब कवर करवा दिया है पूरा। ऊपर से ये भी डाल दिया सो दैट हीट वायर तक ना रहे भाई ज़्यादा। देन ठीक है अभी इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। मारू सेल्प अभी ओके है एकदम फिलहाल तक। तो जी अभी चेंज करा के ना साउंड पे इतना असर पड़ गया है गाड़ी की, अभी अंदर जो है साउंड नहीं आ रही है बहुत ज्यादा। पहले जैसे आवाज आ रही थी ना तो मुझे लगता था पता नहीं क्यों इतनी आवाज कर रही है गाड़ी, उसकी वजह से भी कर रही है। हाँ तो ये मतलब छोटी सी चीज थी और इसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हुए, पर अभी चला के देख रहा हूँ तो बिल्कुल एकदम ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेना है टर्न। एक्चुअली स्कैनर बड़े काम की चीज है। हाँ, स्कैनर बहुत काम की चीज है। और अभी बस एसी की आवाज आ रही है, वो भी मतलब जो एसी चल रहा है, बाकी अंदर अब उसकी आवाज नहीं है या टायर की आवाज है। तो ये प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हो ना कभी भी, तो आप मतलब ये छोटी छोटी चीजें हाँ चेक कर सकते हो, क्योंकि स्कैन जरूरी है। स्कैन करा लो छुट्टी, आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल जाती है। और मतलब बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है जैसे मैं घबराया था। सो गाइस, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं लग रही अभी, और पिकअप वगैरह भी, और प्लस जो मेन अच्छा वो हुआ है, हल्का सा काला धुआं दे रही थी जब मैं एक्सीलरेट करता था गाड़ी को, हार्ड एक्सीलरेट। हाँ, तो अब वो भी जो है बहुत खत्म हो गया है। मतलब हार्ड पे तो थोड़ा बहुत देती है, पर वो जितना पहले दे रही थी उतना नहीं दे रही। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया है, इसकी वजह से ये होता है यूजुअली। और तो एक दिन चला के देखते हैं, बाकी के भी दो और चेंज करा देंगे, रखेंगे। हाँ हाँ, देखते हैं उनको, अदरवाइज रखे रहेंगे स्पेयर में, कभी अगर नीड पड़ती है, मुझे लगता है कि हाँ चेंज कराने की जरूरत है तो करा देंगे। सो टोटल जो खर्चा आया स्कैनिंग का 400 रुपये खर्चा हुआ था इन्होंने, और आज का जो पैसे लिए इन्होंने 200 रुपये लिए हैं केवल अपने लेबर का, बाकी मैंने वाइपर वगैरह चेंज कराए। ये तो 600 रुपये के वाइपर थे इसके जो ये पड़े हैं, इधर 24 का है और उधर की तरफ डलवाया है 20 इंच का। तो ये छोटे मोटे जो चीज़ें थी ये और चेंज करा दी है मैंने, बाकी हॉर्न वगैरह भी ठीक कराया, क्योंकि एक हॉर्न बज रहा था, एक नहीं पानी आके एक बंद हो गया था। तो ये सारी चीज़ें करा के टोटल जो मेरा अभी खर्चा इसमें हुआ है, ये हुआ है 120 का, बाकी मैं सामान लाया था तो 120 का एक ही लगा है, दो रखे ही हैं वो 360 के। हाँ, टोटल 360 के मिले थे, तो टोटल खर्चा 1300 रुपये के आसपास हुआ है। सो चलो, होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हाँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।